बिग बॉस ने फिर से खेल दिया है अपना खेल। दरअसल सना मकबूल को एक पावर दी गई थी, सना सुल्तान को एक पावर दी गई थी क्योंकि वो बिग बॉस की खबरी है कि तुम 3 ऐसे कंटेस्टेंट का नाम लो जो कि इस नॉमिनेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे किसी को। इस पर सना सुल्तान ने 3 लोगों का नाम लिया है, जिसमें पहले हैं अरमान मलिक, दूसरी है पायल और तीसरी के है चंद्रिका। यानी तीनों को ये हक छीन लिया है कि तीनों में से कोई सा भी किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकता, नॉमिनेशन का हक छीन लिया गया है, पर कोई भी घर वाले इनको नॉमिनेट कर सकते हैं। अब शुरू हो गई है नॉमिनेशन की प्रक्रिया, घर वालों को अलग अलग जाके और नॉमिनेशन करने हैं। घर के बाहर गार्डन में एक पेड़ बनाया गया है जिसके पास जाकर घर वालों को नाम लेना है, और जब वो नाम लेंगे किसी घर वाले का तो वो पेड़ तेजी से बोलकर घर वालों को सामने उसका नाम बताएगा कि किसको नॉमिनेट किया है इस घर वाले ने। और सभी के पास अधिकार है कि सब दो दो को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन पायल, अरमान और चंद्रिका किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकते। क्या आपको ये फैसला फेयर लगता है या अनफेयर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।